हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब कि ग्राफ के ऊपर मोशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आज के लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, ये लेक्चर एक तरीके से मानिए ये कि आपको थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में जानकारी दे देगा। ठीक है, और हम जब आगे बढ़ते हैं, जब आगे अपन क्लासों में जाते हैं, तो वहाँ पे हम ग्राफ वगैरह को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन जब इसी ग्राफ को बेसिक वे में पढ़ना होता है, यहाँ पे पढ़ना होता है, तो यहाँ पे बस हम इन्फॉर्मेशन लेंगे और ग्राफ पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस आएंगे उनको हम करने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के ये है कि ग्राफ हम सीखेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये समझिए कि मोशन में ग्राफ का, मोशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है। तो देखिए, ग्राफ के द्वारा हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आगे क्या होता है कि जैसे अपन इस तरीके से समझें कि किसी भी चीज़ को अगर हमें इजीली समझना है, इजीली अगर किसी चीज़ को समझना है तो वहाँ ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अपन ने देखा ये कि जो आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं, जब घरों का नक्शा बनाते हैं तो वो एक डिज़ाइन नहीं बनाते हैं। उनको देखा होगा आपने, एक पेन लेते हैं या पेंसिल लेते हैं और एक पेज लेते हैं, उसी के ऊपर वो डिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब वो भी तो एक तरीके से उस घर का ग्राफ ही हुआ ना, एक डिज़ाइन हुई है। तो उस ग्राफ या उस डिज़ाइन के थ्रू घर को बनाना बड़ा आसान होता है। उसी तरीके से हम यहाँ समझेंगे कि ग्राफ के थ्रू मोशन को समझना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि ग्राफ के द्वारा हम किसी भी पार्टिकल की, देखिए, हम डिस्टेंस जान सकते हैं या डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ के द्वारा हम उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो ग्राफ्स के द्वारा हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरू ये करेंगे कि ग्राफ, मतलब कि जो ग्राफ पढ़ना है वो किसके किसके लिए पढ़ना है, मतलब किसके किसके बीच में ग्राफ पढ़ना है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए, जो ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं, एक तो हम पढ़ेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ, ये एक ग्राफ पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जो दूसरा ग्राफ होगा हमारा वो होगा स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसको भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से वो समझिएगा। एक तो होगा यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो इसी ग्राफ में वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो ग्राफ कुछ सी और तरीके से बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ग्राफ किसी और तरीके से बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब हम इरेज करते हैं और समझते हैं कि हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए समझते हैं। लेकिन इससे पहले ग्राफ बनाते वक्त समझिए कि ध्यान का रखना है। देखिए, ये होता है एक्सिस, और ये हमें पता है कि ये एक्सिस है, इसे बोला जाता है एक्स एक्सिस, और इसे बोला जाता है वाई एक्सिस, ये बोला जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग हम केवल टाइम लेते हैं, क्या लेते हैं, टाइम,
और वाई एक्सिस के अलोंग हम लेंगे या तो डिस्टेंस, ठीक है, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट ये रख सकते हैं, या फिर हम स्पीड रख सकते हैं या रखेंगे, फिर हम वेलोसिटी रखेंगे और फिर हम रखेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन तो आएगा ही नहीं। तो देखो, जो वाई एक्सिस है इस पे हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी रखेंगे, लेकिन एक्स एक्सिस पे हम केवल और केवल टाइम रखते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो इतनी बातें तो हुई, अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। चलिए, यहाँ से देखिए कुछ बातें और हैं, उसे भी हम समझ लेते हैं इसमें। कि देखिए, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें स्पीड और वेलोसिटी मिलती है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें स्पीड या वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। अब वो स्पीड या वेलोसिटी आपका हो सकता है यूनिफॉर्म, या यही हो सकता है आपका नॉन यूनिफॉर्म। बात समझ में आ रही है? जो ये स्पीड या वेलोसिटी की बात हो रही है, ये या तो यूनिफॉर्म होगा या तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अब समझते हैं इसमें। देखिए, अगर हम कहें ये कि कोई पार्टिकल है, वो इक्वल टाइम इंटरवल में, अगर इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो हम बोलते हैं कि जो पार्टिकल है उसका, उसके पास जो मोशन है या स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे कहें कि अनइक्वल, या फिर हम बोलें कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, अनइक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। आप इतनी बात समझ पाए? तो देखिए, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना ग्राफ, और देखिए इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उस पीडीएफ में सारी डेफिनेशंस और इसमें जो मतलब कि डेफिनेशंस वगैरह रहेंगी वो प्रॉपरली आपको मिल जाएगा, ठीक है, और आप वहाँ से याद भी कर लेना। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के। यहाँ पे समझिएगा, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, अब यहाँ पे समझिएगा, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा, वो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ही ज़्यादा वो कवर करेगा। समझिए, हम क्या बोल रहे हैं कि टाइम जितना ज़्यादा होगा डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा कवर करेगा। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपको याद रखना है कि जब कभी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। आप ये याद रखेंगे, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ये आपको याद रखना है। अब समझते हैं यहाँ पे कि देखो, ये था एक्स एक्सिस और ये था वाई एक्सिस, लेकिन वाई एक्सिस पे हम क्या रख रहे हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच हमें ग्राफ बनाना था। और यहाँ पे हम रख रहे हैं टाइम। हम क्या बोल रहे हैं कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, जब स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है,
इस तरीके से होगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये चीज़ तो हम समझ गए यहाँ पे कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। और देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। चलिए, अब हमें ये पता चला है कि स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हमें स्पीड कैलकुलेट करने को मिलता है। अब हम इसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे समझिएगा, अब हम एक ग्राफ पहले ही बना रहे हैं, ये दे रखा है, यहाँ पे ये टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है और यहाँ पे ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा है। समझिएगा, हम इसमें ऐसे रखते हैं कि जब टाइम t1 था, जब टाइम t1 था तो डिस्प्लेसमेंट हो चुका था s1, या पार्टिकल s1 डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। मतलब आप ये समझिए कि कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है। जब ये टाइम, ये ओरिजिन है, लेकिन ओरिजिन पे आपने फोकस नहीं किया। जब टाइम t1 हो चुका था तो आपने देखा कि अरे यार, ये तो s1 डिस्टेंस कवर कर चुका है, ठीक है। फिर जब टाइम t2 होता है तो डिस्टेंस कवर कर चुका है s2। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो समझिएगा। तो देखिए, हम बोल रहे हैं कि जब टाइम t1 हो चुका था, तो डिस्टेंस कितना कवर हो चुका था, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें टाइम ही मिलेगा। मतलब एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, टाइम, और वाई एक्सिस पे हम रखते हैं डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि जब टाइम t1 हुआ था तो डिस्टेंस कितना हुआ था, s1, ठीक है। लेकिन जब टाइम t2 हो गया था, तो पार्टिकल का डिस्टेंस, पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था, s2। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए, अब यहाँ से ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, अब इस चीज़ को समझिएगा। थोड़ा हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए, ग्राफ कैसे हमने आगे बढ़ाया, इसकी हेल्प से बस ऐसे सीधे कर दो, यहाँ से आप ऐसे सीधे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। फिर यहाँ से आप इस तरीके से सीधे एक ड्रॉ कर दो, फिर यहाँ से आप इस तरीके से सीधे ये लाइन ड्रॉ कर दो। अब देखो क्या करोगे कि जो ये कटान, दोनों का कटान पॉइंट है या कटान बिंदु है, इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं। तो देखिए, जब यूनिफॉर्म स्पीड था तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि इन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से हम डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है, स्पीड कैलकुलेट करेंगे। इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी पॉइंट और इसे सी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आपको बस ना समझते चलना होगा, क्योंकि आपको पहले से कुछ भी पता नहीं है, जिस तरीके से हम बताएंगे बस आपको उसी तरीके से समझना होगा। देखिए, ये जो है कि ये t1 है, तो t1 का मतलब ये s1, ये t1, तो दोनों इस पॉइंट पर कट किए। अब देखो, ये है t2, तो ये t2 और ये s2 और ये t2 दोनों इस वाले पॉइंट पर कवर किए, कट किए। अब यहाँ पे समझिएगा, हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, इसी ट्रायंगल की हेल्प से हम स्पीड कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझें कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड या ट्रेवल डिस्टेंस। ये हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये होता है। अगर स्पीड की बात करें तो हम लिखेंगे वी। अब देखिए, ट्रेवल डिस्टेंस का मतलब ध्यान से समझिएगा। देखिए, यही डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस यही है, आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस ये है, लेकिन हमें यही चीज़ तो इस ट्रायंगल के ऊपर देखना है। तो क्या ये और ये आपस में बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि अगर इसे s2 बोलेंगे तो ये क्या होगा, s1 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया, तो ये क्या हमें बता रहा है, ट्रेवल डिस्टेंस। ट्रेवल डिस्टेंस का मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, BC। तो ट्रेवल डिस्टेंस को हम लिख देंगे BC अपॉन,
अपॉन में। अब देखो टाइम टेकन, तो टाइम कितना टाइम कितना लग रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो है टी टू माइनस टी वन, और टी टू माइनस टी वन का मतलब ए बी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, ठीक है। अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी, तो ये देखो एस टू है और ये एस वन है, तो इससे देखेंगे कैसे, अगर ये डिस्टेंस हमें लेनी है तो देखिए ये टोटल डिस्टेंस एस टू है, मतलब आप ध्यान से समझिए, ये टोटल कितना है एस टू और ये टोटल कितना है एस वन, ये एस वन है, लेकिन हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो अगर पूरे में से हम इसको घटा दें तो क्या हमें ये नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर हम बी सी की बात कर रहे हैं तो बी सी का मतलब पूरा माइनस ये, यानी कि हम लिखेंगे एस टू माइनस एस वन अपॉन। अगर हम टाइम की बात करें तो देखो पूरा टाइम ये है और हमें यही चाहिए, इतना ही टाइम चाहिए था, यानी कि ए बी चाहिए, तो पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है टी टू, और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है टी वन। अगर हम टी टू में से ये टी वन घटा दें तो क्या ये हमें टाइम नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी टू माइनस टी वन, ठीक है। तो ये निकल के आ गया स्पीड। तो देखो स्पीड निकालने का ये तरीका होता है, तो हम इसे एक चीज़ और बोलते हैं यहाँ पे, एक चीज़ का मतलब इसको समझिए कि इसको बोला जाता है बी सी अपॉन ए सी को स्लोप, क्या बोलते हैं स्लोप। अब इसी की हेल्प से समझिएगा, हम बोलते हैं कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है स्पीड प्रोवाइड करता है, तो इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इतने को आप नोट करिए, फिर इसके आगे अपन देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म मोशन था तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो जो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस टाइम के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो एक कर्व होगा, क्या होगा कर्व होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक पैराबोला बनेगा, क्या बनेगा पैराबोला बनेगा। ध्यान से समझिएगा इस ग्राफ को, यहाँ पे दो तरीके से चीज़ें आ सकती हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, या ऐसा हो सकता है कि वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, या कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो इस ग्राफ को आप ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एक तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड कैसी है नॉन यूनिफॉर्म है, हम जानते हैं कि कर्व बनेगा, ठीक है, लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, स्पीड क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है, तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे टाइम और ये है डिस्टेंस, इसके बीच का जो ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोला तो होगा, लेकिन वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इसे आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगर डिस्टेंस टाइम के बीच का ग्राफ कभी ऐसा दिख जाए, स्ट्रेट लाइन ना हो, तो आप कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को ये बता रहा है, ठीक है। तुरंत आप इस चीज़ को समझ जाइए देखते ही कि अगर अगर इस तरीके का कोई कर्व ग्राफ है, मतलब इसके और इसके बीच का ग्राफ अगर कर्व है, तो तुरंत बोलिएगा कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखने को मिल रही है, और वो भी स्पीड कैसी है इंक्रीजिंग, स्पीड कैसी है इंक्रीजिंग। अगर वहीं पे हम बोल दें कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, लेकिन स्पीड कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये है टाइम और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, जो ग्राफ इनके बीच का बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनता है, ये भी एक पैराबोला ही होता है,
लेकिन ग्राफ इस तरीके का बनता है, इसके और इसके बीच का ग्राफ देख के तुरंत आप बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आप S के प्लेस पे D भी लिख सकते थे, D फॉर डिस्प्लेसमेंट या D फॉर डिस्टेंस, और S फॉर भी यही होता है, ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे एक चीज़ हम डायरेक्ट बोलेंगे, और वो क्या बोलेंगे कि अगर स्पीड और टाइम के बीच डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है, अब यहाँ पे समझिए, एक स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो हम तुरंत बोलेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ से मिलेगी। यहाँ से कैसी स्पीड मिलेगी, यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी। लेकिन अगर यहीं पे हम बोलें कि कर्व है, कैसा है ग्राफ, कैसा है कर्व है, तो हम तुरंत बोलेंगे कि इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड प्रोवाइड करेगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड प्रोवाइड करेगी। इतनी बात समझ में आ रही है, तो इसे आप कॉपी करिए। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं अपन और भी कुछ चीज़ें, ठीक है, तो इसे अपन इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ, या इसको बोल सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमें इनके बीच का ग्राफ देखना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ हैं, उसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या क्या ले सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम एक तो कवर कर सकते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक तो ये चीज़ हमें मिल गई कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि अगर स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड के साथ क्या क्या हो सकता है। तो देखिए पहली बात तो हम बोल सकते हैं कि जो स्पीड या वेलोसिटी है, स्पीड या वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, या इसे हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म है, ठीक है। एक तो ये हम बोल सकते हैं, दूसरी चीज़ हम इसमें ये बोल सकते हैं कि जो स्पीड या वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, यानी हम बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे बच्चों आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है, कि यहाँ से अपन क्या क्या चीज़ें समझने वाले हैं। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि स्पीड या वेलोसिटी जो है वो एक तो कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म हो सकता है, दूसरा ये वेरिएबल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अब नॉन यूनिफॉर्म होने में दो चीज़ें आती हैं, या तो स्पीड इंक्रीज कर सकती हैं या तो स्पीड डिक्रीज करेगी। तो हम यहाँ से ये बोल रहे हैं कि जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है, तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा। और एक बार हम देखेंगे कि जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है, वेरिएबल का मतलब यही होता है कि या तो स्पीड इंक्रीज करे या तो स्पीड डिक्रीज करे। अब हम इन देखिए यहाँ पे तीन ग्राफ हमें देखने को मिल गया, एक तो कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल, वेरिएबल में जब इंक्रीज करे और जब डिक्रीज करे, ये बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद हम सबसे पहला देखते हैं कांस्टेंट स्पीड का, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि टाइम चाहे जितना भी बढ़ जाए, टाइम चाहे जितना भी बढ़ जाए, लेकिन जो स्पीड या वेलोसिटी होगी वो फिक्स्ड होगी, क्या होगी, फिक्स्ड, या इसी को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट। अब ग्राफ पे ध्यान से समझिएगा कि इसी चीज़ को ग्राफ के ऊपर कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए हम ग्राफ जो बना रहे हैं वो वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ बना रहे हैं, या स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ अपन बना रहे हैं। देखिए स्पीड और वेलोसिटी को हम यहाँ पे सेम सेंस में यूज़ करेंगे,
आप वेलोसिटी यूज़ करिए या आप स्पीड यूज़ करिए, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ करिए, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा, ठीक है। तो ये स्पीड है, यहाँ पे टाइम है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि टाइम चाहे आप जितना भी बढ़ा लो, लेकिन इसकी स्पीड कैसी है, फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स्ड का मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि टी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। लेकिन अपन समझ लेते हैं कि टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे ये था, लेकिन यार टी इज इक्वल्स टू जब 5 सेकेंड हो जाएगा तब भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही है। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि टाइम चाहे कितना भी बढ़ जाए लेकिन स्पीड वही की वही रहने वाली है। इस टाइप में देखिए कैसे ग्राफ बनता है। मान लीजिए कि 5 सेकेंड, क्योंकि ये स्पीड है और स्पीड का मतलब ये 0, यहाँ पे 0 स्पीड, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 है इस तरीके से। तो स्पीड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। टी इज इक्वल्स टू 0 पे भी यही था और टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे भी, आप भले 5 सेकेंड 10 सेकेंड कर लें लेकिन स्पीड यही थी। तो देखो यहाँ पे ऐसे समझिएगा कि t इज इक्वल्स टू जब 1 सेकेंड था तो भी स्पीड कितनी थी, इतनी ही थी। तो हम कुछ इस तरीके से ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं कि t इज इक्वल्स टू जब 5 सेकेंड हो गया, 5 सेकेंड हो गया तब भी स्पीड इतनी ही थी, यानी कि हम इस तरीके से कर देंगे। t इज इक्वल्स टू जब 10 सेकेंड हो गया तब भी स्पीड अपनी इतनी ही है। मतलब यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि इसे एक सीधी लाइन बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इतना झाम करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इतना झाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसमें ये कर सकते हैं कि देखिए ये टाइम है और ये है स्पीड। जब कांस्टेंट स्पीड या फिक्स्ड स्पीड होगी तो ग्राफ बनेगा पैरेलल टू टाइम या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा और यही बताएगा कि कांस्टेंट स्पीड है। स्पीड कैसी है, कांस्टेंट स्पीड है। ध्यान रखिएगा कभी भी अगर कोई ग्राफ बनाते वक्त अगर कोई भी लाइन आए, चाहे किसी का भी ग्राफ बनाए, अगर वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो चीज़ कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये चीज़ तो आप समझिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन कुछ और चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा इसके बाद अपन समझेंगे, लेकिन इसके पहले आप इसे एक बार कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, यहाँ पे अभी तक तो हम यूनिफॉर्म देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म को। अब यहाँ से ग्राफ इसका भी आप ध्यान से समझिएगा। देखिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली इनक्रीज कर रही है, जो यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली इनक्रीज कर रही है। अब इनक्रीज करने का मतलब भी इसमें समझिएगा, हम बोलेंगे कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में ये इंक्रीज हो रही है। इक्वल अमाउंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अपन समझें कि वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल चेंजेस आते हैं तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से बोलेंगे कि टाइम जितना बढ़ेगा स्पीड उतनी ही बढ़ेगी, टाइम जितना बढ़ेगा स्पीड उतनी ही बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखना है। और हमने देखा था कि जब इस तरीके का रिलेशन आता है तो यहाँ से हम बोलते हैं कि जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम बनाएंगे इनके और इनके बीच का ग्राफ, तो ये है टाइम और यहाँ पे हम दे देते हैं स्पीड, ठीक है। अब स्पीड और टाइम के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब ध्यान रखिएगा स्पीड और टाइम के बीच का जो ये ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है, हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड टाइम के बीच का जो ग्राफ है अगर वो एक स्ट्रेट लाइन हुआ
तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई? अब चलिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है। स्पीड क्या हो रही है इससे हमें नहीं पता चलता है, यहाँ से हमें पता चला कि स्पीड क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा और ये स्ट्रेट लाइन और ये जीरो से इस तरीके से शुरू हुआ है, ठीक है। अब यहीं पे हम बोल रहे हैं कि पहले पार्टिकल के पास कुछ स्पीड थी और ये स्पीड घट रही है। स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन ये कांस्टेंट रेट से घट रही है, कांस्टेंट रेट से ये घट रही है, कांस्टेंट रेट से घट रही है, ठीक है। जब कांस्टेंट रेट से घट रही है तब भी हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, लेकिन कैसा देखने को मिलेगा, आप ये देखिए जो टाइम है और ये स्पीड है। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल के पास या किसी बॉडी के पास पहले एक स्पीड थी, लेकिन धीरे 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 उसकी स्पीड घट रही है। देखो होता क्या है कि टाइम तो बढ़ता है, टाइम धीरे 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 बढ़ता है, लेकिन स्पीड धीरे 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 घटती है। ध्यान से समझिएगा, टाइम धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन स्पीड धीरे धीरे कम होती है। अब इसका क्या मतलब है या ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ये देखो टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड घट रही है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड घट रही है। ध्यान से समझिए, टाइम का मतलब देखो धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। तो देखो यहाँ से जो ये ग्राफ दिख रहा है, फोटो दिख रही है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और जब भी स्ट्रेट लाइन हो तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि इसको देख के स्पीड टाइम के बीच का जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है, इसको देख के क्या पता चलेगा कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल में आप समझिएगा, यहाँ से जो मिलता है वो एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। जब कॉन्टिन्यूसली स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो जो ये ग्राफ देगा, ये स्ट्रेट लाइन देगा, वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन जो ये लाइन प्रोवाइड करेगी, या जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा वो एक्सेलरेशन होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, और इसी निगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं अपन रिटार्डेशन। व्हाट? रिटार्डेशन ये बोला जाता है। आप बात को समझ पाए ये चीज़? तो फिर आगे मूव करते हैं, तो इसे पहले अपन हटा दें।